हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। इसके अलावा जैसे कि आप लोगों को पता है कि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने के बाद में जो आयुष छात्र थे, उन्होंने जो हमारे माननीय आयुष मंत्री हैं और माननीय गृह मंत्री हैं उनसे बात किया, उसमें क्या चीज़ें निकल के सामने आई, क्या ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो न्यू बैच के लिए लागू होगा, ये सारी जो डिटेलिंग है वो अपन इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर ये न्यू बैच न्यू रूल लागू अगर होगा भी तो कैसे होगा, क्या है, ये सारी चीज़ों को अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले तो NCISM का जो ऑफिशियल न्यू नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ठीक है, उसको अपन देख लेते हैं। इसको ऑलरेडी आप लोगों ने देखा भी होगा। तो यहाँ पे आपका बोला गया है विथ रिफर टू लेटर रेफर नंबर NCISM एग्जामिनेशन, ठीक है, 2024/4/7/2024 रिगार्डिंग गाइडलाइंस फॉर ए कंडक्टिंग नेक्स्ट एग्जाम बाय NCISM। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका जो NCISM है, ठीक है, वो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है, ठीक है, उसको मेंशन करते हुए यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो फॉरेनर जो स्टूडेंट्स रहेंगे, ठीक है, अगर वो उनको भी अगर क्या है लाइसेंस चाहिए तो वहाँ पे भी आपका क्या है नेक्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा करके, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आपका निकाला गया है। ओके, और कुछ नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे वही चीज़ को उन्होंने शेड्यूल में बता दिया है, शेड्यूल 3, शेड्यूल 14, ठीक है, तो वही चीज़। बाकी अपन मेन चीज़ के ऊपर आते हैं। ओके, तो मेन चीज़ के ऊपर अपन आते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को सभी को पता होगा कि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद में जैसे ही प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने जा कर के माननीय गृह मंत्री जो रामनाथ गोविंद जी हैं उनसे बात की। इससे पहले आयुष मंत्री से भी उन्होंने मीट करके बात किया। और इन सभी चीज़ों में क्या चीज़ें निकल करके सामने आई वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली जब इनसे बातें हुई है, ठीक है, माननीय आयुष मंत्री और गृह मंत्री से, तो उन्होंने बातों को प्रॉपर सुना है, ठीक है, उनकी समीक्षा की है और उसके ऊपर उन लोग विचार करेंगे। बाकी सबसे पहले बात तो ये है, सच्चाई मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप लोग चाहते हो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो, ठीक है, तो उसके लिए ये जो मुझे न्यूज़ मिला है, ठीक है, वो ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। उसके लिए आप लोग को अपनी जो यूनिटी है वो दिखानी पड़ेगी, ठीक है, तभी जा कर के जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो कैंसिल होगा। अब यूनिटी कैसे दिखाओगे तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। 20 जुलाई को, ठीक है, जैसे कि अभी बीच में प्रोटेस्ट हुआ था, जून में प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, शायद 27 जून को, 20 जुलाई को अगेन जो है प्रोटेस्ट होने वाला है। आप लोगों को पता है जब अभी जून में जब प्रोटेस्ट हुआ था तो बहुत कम स्टूडेंट वहाँ पे शामिल हुए थे आयुष के, उसका मैंने प्रॉपर वीडियो भी दिखाया है, बहुत कम स्टूडेंट वहाँ पे आए थे। इसी वजह से जो बातें हैं वो पहुँच नहीं पाई है। मीडिया भी आई थी तो लोकल मीडिया बस आई थी, नेशनल मीडिया आई नहीं थी। जब आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा रहोगे प्रोटेस्ट एरिया में या नंबर ऑफ़ क्राउड में जो मेम्बर्स हैं वो ज़्यादा रहोगे तब जा कर के शायद नेशनल मीडिया भी आपकी बात उठाए, तब जा कर के शायद ये जो सोच का प्रस्ताव है उसके ऊपर रियलिटी में सोच हो, मंथन हो और चीज़ें को चेंज किया जाए, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि 20 जुलाई मुझे जो डेट मिला है मैं आप लोगों को शाम में शेयर कर रहा हूँ। सेम जगह है जंतर मंतर, वहाँ पे जो जो स्टूडेंट जा सकते हैं उन लोग डेफिनेटली जाएँ, अपने दोस्तों को लेके जाएँ, अपने रिश्तेदारों को लेके जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाएँ। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ़ वहाँ पे क्राउड जो है वो दिखाना ज़रूरी है। जब नंबर ऑफ़ क्राउड ज़्यादा रहेगा तभी जा कर के आपका जो बातें हैं उसको सुनने के लिए मजबूर होगा जो गवर्नमेंट है वो। ओके, तभी जा कर के चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, अदरवाइज़ वो जो सोच का विचार या फिर जो भी मंथन वगैरह है वो आपका एग्ज़ाम तक रहेगा। और एक बार एग्ज़ाम अगर हो गया तो आप लोगों को भी पता है आप उसके बाद में कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपके पास ये लास्ट चांस है। ठीक है, 20 जुलाई वो डेट है जंतर मंतर में जाने का जो मुझे पता चला है। ओके, तो आप लोगों को यही शेयर करना था। और बाकी कोई भी अपडेट रहेगा NCISM से रिलेटेड या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड तो मैं अपने चैनल के ऊपर बताता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर आप में से बहुत सारे, वैसे तो मैं वहाँ पर से रहूँगा ही रहूँगा, लेकिन और स्टूडेंट जिन लोग भी वहाँ पे जाएंगे ठीक है, उन लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। कहाँ पे? तो मेरा इंस्टाग्राम का पेज मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पर आप जो है मैसेज कर सकते हो मेरे को। ओके, और जो भी चीज़ें हैं ठीक है, आप मेरे से डिस्कस भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कोई भी अपडेट रहेगा तो मैं आपको देता रहूँगा अपने चैनल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। तो सोशल मीडिया पे बने रहना। ओके, थैंक यू।